रिसाइकलिंग प्लांट क्या होता है तुमको समझ रहे हैं। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट में गंदे पानी को फिर से साफ करके फिर उसी पानी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए एक इसको नाम दिया गया है वाटर रिसाइकलिंग। वाटर को बार बार रिसाइकिल किया जाता है। जैसे देखिए वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लिखा हुआ है, इसका क्या सिस्टम है। तो जैसे गंदा पानी, वेस्ट वाटर जो है, गंदा पानी है, ये वॉशिंग फिट यहाँ पर गाड़ी होती है, जहाँ पर गाड़ी धुलाई होती है, उसका पानी यहाँ पर लिखा गया है वाटर, वेस्ट वाटर वॉशिंग फिट। उस संपवेल एक कुएँ में, गहरे कुएँ में लिया जाता है, संपवेल बोलते हैं उसको, और उस कुएँ से, उस गहरे कुएँ से पानी को एक टैंक में लिया जाता है, जहाँ पर पोटाशियम मिलाया जाता है, जिसको कहते हैं एरेसन टैंक। पोटाशियम यानी फिटकरी को मिलाया जाता है, उसको कहते हैं एरेसन टैंक। और वहाँ एरेसन टैंक में उसको पोटाशियम और हवा मिलाकर उसको वाटर को मिक्स करके ऐसा बनाया जाता है कि लेमेला उसको, वो मिक्सिंग होने के बाद पानी भारी हो जाता है और उसकी गंदगी एक अलग, जो लेमेला क्लेरिफायर है, अलग टैंक में लिया जाता है, वहाँ पर ये पानी, गंदा पानी नीचे जमा हो जाता है। और उस लेमेला क्लेरिफायर से जो साफ़ पानी है उसको क्लेरिफाइड वाटर टैंक में लिया जाता है। वो क्लियर पानी है, साफ़ पानी है, उसको वाटर टैंक के अलग वाटर टैंक में लिया जाता है। अब ये पूरा तरह से साफ़ नहीं है, लेकिन ये साफ़ है। इसको फिर अलग से, अलग बढ़िया से साफ़ करने के लिए एक फ़िल्टर में लिया जाता है। उसको एक, दो तरह के फ़िल्टर है यहाँ। एक सैंड फिल्टर है, पहले सैंड फिल्टर में डालते हैं, फिर दूसरा है कार्बन फिल्टर। और कार्बन फिल्टर के पश्चात हम इसको एक अलग से, देखिए प्री क्लोरिनेशन प्लांट है, क्लोरिनेशन प्लांट से यहाँ क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं। क्लोरीन मिलाने के बाद ये पानी, जो भी बैक्टीरिया वगैरह पानी में होगा, वो क्लोरीन मिलाने के बाद मर जाएगा और वो पानी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटेड वाटर जो है, साफ़ जो एकदम स्वच्छ पानी है, उसको हम लोग धुलाई के लिए ले जाएंगे, रिसाइकिल वाटर फॉर वॉशिंग किट। उसको वाटर वॉशिंग किट में ले जाते हैं, जिससे गाड़ी की धुलाई होती है, साफ पानी का फिर से उपयोग कर लेता है। और ये फिर गंदा पानी, फिर वॉशिंग किट का जो गंदा पानी धुलाई करने के बाद निकलेगा, उसको फिर संपवेल में ले लेंगे। तो इस तरह से इसका आप यहाँ पर बना हुआ है। ये छपरा जंक्शन का हम दिखा रहे हैं आपको। छपरा जंक्शन में जो गाड़ियों की धुलाई होती है, उसका पानी कैसे धुलाई होती है, उसका पानी कैसे हम रिसाइकिल करते हैं, तो ये समझिए। जैसे कि हमारी गाड़ी की धुलाई होने के बाद जो गंदा पानी निकला, वो गंदा पानी को हम एक बड़े से पाइप के माध्यम से ये संपवेल में ले लिया गया। ये सब वो पाइप के माध्यम से, वह झाड़ी निकला, वो पाइप के माध्यम से यहाँ पर एक अंदर संपवेल बना हुआ है, ये संपवेल में ले लिया था। और संपवेल से ये गंदा पानी को एक मोटर के माध्यम से अंदर खींच ले रहे हैं, और वो एक टैंक है, जहाँ पर वो व्यक्ति दिख रहा होगा, इस टैंक में मिला देते हैं। इसका नाम है डिफ्यूजर एरेसन टैंक। हम उस टैंक के ऊपर चढ़कर दिखाते हैं क्या है उस टैंक में। तो आप देखेंगे वहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है, जो पानी अभी भर रहा है, अभी इसमें पानी भरते हुए दिखाई देंगे हम। इस टैंक का नाम है डिफ्यूजर एरेसन टैंक, डिफ्यूजर एरेसन टैंक। और डिफ्यूजर एरेसन टैंक पर देखेंगे, डिफ्यूजर जो है पानी भर रहा है, इसमें कुछ डिफ्यूजर प्लांट बने हुए, पानी देखिए गंदा पानी आ रहा है वहाँ से। इसमें अभी पोटाशियम मिलाया जा रहा है, इसके बाद इसमें हवा से अभी आएगी, ये पूरा पानी मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद ये भारी हो, मिक्स होने के बाद ये पूरा जब पानी भर जाएगा, तो उसके माध्यम से सबसे ऊपर में एक पाइप देगा, उस माध्यम से हो जाएगा वो दूसरे वाला टैंक में, जिसका नाम है लेमेला क्लेरिफायर टैंक। हम उस टैंक के ऊपर भी जाके देखते हैं उसका बनावट कैसा है। तो वो ये लेमेला क्लेरिफायर है, वहाँ से इस पाइप के माध्यम से ये पानी इसमें आता है। इस पानी, जो गंदा पानी है थोड़ा सा, वो इस पाइप के माध्यम से इसमें आएगा, इस पाइप के माध्यम से इसमें आएगा। और यहाँ पूरा ये पानी पहले इसके नीचे से जाएगा, और नीचे से पानी, जो गंदा पानी है, वो गंदा गंदगी इसके नीचे बढ़ जाएगी, और साफ पानी थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर भर करके ये पानी इससे ऊपर भर के गिरता है इसमें। और इस जो छेद दिख रहा होगा, इस छेद के माध्यम से साफ पानी, एक अलग से पंप बना हुआ है, इस पाइप से एक अलग से टैंक है, जिसको कहते हैं क्लेरिफायर टैंक, उसमें चला जाता है। हम उस टैंक में देखते हैं क्या है उसमें। तो वो टैंक जो है केवल उसको स्टोर करके साफ पानी को रखता है और फिर आगे भेजता है इसको। जैसे यहाँ से ये देखते हैं क्लेरिफायर वाटर, क्लेरिफायर वाटर रिजर्वायर है, ये एक प्रकार का स्टोरेज है, जिसमें 30,000 लीटर पानी स्टोर करेगा, लिखा हुआ है 30,000 लीटर पानी स्टोर करता है। अब ये स्टोर पानी जो भी बहुत अच्छा तरह से साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ है। ये अभी पानी देखिए फिर भी साफ़ हो जाएगा। ये साफ़ पानी को और साफ़ करने के लिए हम लोग इसको फिल्टर में ले आते हैं, और ये दो तरह के फिल्टर है। एक है प्री फिल्टर, जिसको सैंड फिल्टर कहते हैं, सैंड है इसमें, सैंड से पानी छान करके ये पानी, इसके माध्यम से सैंड से पानी छना हुआ पानी इधर से माध्यम से होकर के फिर जाता है
एक दूसरा फिल्टर है, इसको पोस्ट फिल्टर कहते हैं। ये कार्बन फिल्टर है, इसमें कार्बन भरा हुआ है और कार्बन फिल्टर में आता है, ये कार्बन फिल्टर है, देख रहे हैं कार्बन फिल्टर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। कार्बन फिल्टर से पानी पूरा छनता है और कार्बन फिल्टर छना हुआ पानी नीचे से, ये देखिए इस पाइप से पानी नीचे आएगा, इस पानी से आएगा और इसके बाद ये पानी जो है अब साफ है पूरी तरह से और इसको भेजना है वाशिंग पिट में। तो इसके लिए पहले इसको हम कुछ बैक्टीरिया वगैरह ना रह जाए, इसलिए यहाँ पे एक पाइप देखते हैं। ये पाइप जो आया हुआ है ये अंदर से लिया गया है, इसमें क्लोरीन है, ये पानी जितना बढ़ जाएगा ये क्लोरीन इसमें मिलता जाएगा। अब क्लोरीनेटेड वाटर हो गया ये। अब क्लोरीनेटेड वाटर को हम यहाँ से इस टैंक में ले आते हैं और ट्रीटेड वाटर रिजर्वायर टैंक नाम है इसका, ये भी 30,000 लीटर का होगा, सेम कैपेसिटी दोनों रहते हैं। तो ये 30,000 लीटर कैपेसिटी का पानी यहाँ पर स्टोर होगा और ये साफ़ पानी होगा, ट्रीटेड पानी होगा जिसमें कोई गंदगी नहीं होगी, बैक्टीरिया भी नहीं रहेगा क्योंकि क्लोरीनेशन इसमें मिला हुआ है, क्लोरीन किया गया है। अब ये इस पानी को हम आगे मोटर के माध्यम से आगे हम ले जाएंगे सीधा वाशिंग पिट पर, जहाँ पर गाड़ी की धुलाई हुई है। गाड़ी की धुलाई हो जाएगी इस पानी से, साफ पानी से, और फिर जो गंदा पानी होगा वो गंदा पानी को बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, नाली नहीं छोड़ा जाएगा, वापस जो हमारा पाइप है उसी पाइप से फिर ये जो हम लोग देखते हैं वो उधर लास्ट में सम्प वेल था जो कुएं की तरह था उसमें ले आ जाएगा और फिर यही प्रक्रिया शुरू हो गई। ये पानी बार बार रिसाइकिल होगा, साफ़ होगा, इसलिए इसका नाम है वाटर रिसाइकिलिंग प्लांट। और इसके अंदर कुछ मशीन्स भी लगे थे, मशीन्स में देखते हैं हम लोग, इसमें दो तरह की मशीन है, ये हमारा सबसे दो तरह का है, एक तो हम लोग मिलते हैं पोटासियम मिलाते हैं, इसमें पोटासियम रहता है, इसमें पॉलीमर है, केमिकल डोजर है, इससे कितना केमिकल जा रहा है इसकी मशीन में इंडिकेटर लगे हुए हैं, केमिकल डोजर है, केमिकल डोजर से दो तरह के डोजर हैं, इसके पोटासियम है, पॉलीमर है, ये दोनों डिफ्यूजर एरेशन टैंक है, वहाँ पर डाला जाता है हवा देने के लिए, डिफ्यूजर एरेशन टैंक में हवा देने के लिए हवा का प्लांट लगा हुआ है, एयर प्लांट लगा हुआ है, एयर मशीन लगे हुए जो हवा बनाएंगे। इधर से ये कार्बन सॉरी क्लोरीन मिलाने के लिए क्लोरेशन बहुत ही किसी ने बहुत ज़्यादा गर्म करेगा, खोलेंगे नहीं, इसमें क्लोरीन भरा हुआ है, क्लोरीन का लिक्विड भरा हुआ है और क्लोरीन इसी पाइप के माध्यम से जाता है, वहाँ पर क्लोरीन मिलता है पानी में जो लास्ट में, ये देखे हुआ। और यहाँ पर एक फ्लोमीटर लगा हुआ है, कितना पानी बह रहा है तो ये 60 किलोमीटर है जिससे पता चलता है कितना पानी हो जाता है। इस तरह से हमारा ये पूरा सिस्टम काम करता है और कम्प्लीट रूप से एक दिन में 2,50,000 लीटर पर डे ट्रीट करता है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर कंजर्वेशन का एक सिस्टम है, हम वाटर को वेस्ट होने से बचा लेते हैं। धन्यवाद, हमारी बात फिर समझ आएगी, थैंक यू आपको।